दावत इस्लामी स्कूल में ऐसा कौन सा राज है कि योगी सरकार की नींद उड़ गई है। यूपी पुलिस हेडक्वार्टर में बना ऑपरेशन चंदा, 1400 गुल्लक में आप भी देते हैं चंदा। योगी ने आधी रात बनाया प्लान, सुबह होते ही छापा, फिर मिले होश उड़ाने वाले सबूत। यूपी पुलिस हेडक्वार्टर में एक भयानक प्लान तैयार हो रहा है। योगी आदित्यनाथ के इशारे पर कुछ दिनों में इतना बड़ा खुलासा होने वाला है कि किसी को भरोसा नहीं होगा। भारत में बैठकर भारत की जनता से पैसा लेकर पाकिस्तान भेजने की प्लानिंग का पता चला तो सबके होश उड़ गए। एक से बढ़कर एक आईपीएस को योगी ने काम पर लगाया। छापेमारी के दौरान कंप्यूटर की तलाशी में वो सबूत हाथ लगे जो दावा करते हैं आप सुरक्षित नहीं है। दावत इस्लामी नाम का संगठन दुनिया के सभी देशों में एक्टिव है। धर्म के नाम पर इस संगठन पर आरोप है कि वो आतंकी फंडिंग के लिए पैसा जमा करता है। इसकी भनक योगी को कैसे लगी? क्यों शक गहरा रहा है कि ये वही संगठन है जो मोदी योगी को रास्ते से हटाना चाहता है? ये खबर आपकी सुरक्षा और आपके बच्चों की सुरक्षा के लिए जरूरी है, इसलिए अंत तक इसे जरूर देखें। पहले सुनिए कैसे गुप्त ऑपरेशन चलाया गया। यहाँ तक कि एक फोटो तक मीडिया में नहीं आई, लेकिन यूपी से लेकर कराची तक का कनेक्शन खंगाला गया। मौलाना ने दावा किया कि दावत इस्लामी स्कूल का कनेक्शन कराची से चंदा लेकर कन्हैया लाल की तरह ही और लोगों की हालत करना चाहता है। इस बयान के बाद यूपी पुलिस के एक सीनियर अधिकारी ने योगी से मुलाकात की। मिलते ही पूरा प्लान समझाया और कार्रवाई का आदेश मांगा। आदेश मिलते ही पीलीभीत के एसपी दिनेश पी ने बेहद गोपनीय प्लान बनाया और सबसे पहले LIU की टीम को सबूत जुटाने का आदेश दिया। LIU यानी लोकल इंटेलिजेंस यूनिट को जैसे ही शक हुआ कि यहाँ तो कराची टू भारत वाला कनेक्शन है, वैसे ही एक और गोपनीय टीम बनी। अब छापेमारी की प्लानिंग बनी और LIU के साथ कुछ और एजेंसी साथ में थी। यूपी पुलिस के सैकड़ों जवानों ने दावत इस्लामी स्कूल को घेर लिया, कंप्यूटर खंगाले गए। अब ऐसे सबूत लगे जिसके बाद यूपी पुलिस के होश उड़ गए। इसलिए गोपनीय छापेमारी पर तुरंत पुलिस ने बयान जारी कर स्वीकारा कि वहाँ छापेमारी हुई है। यानी जिन गुल्लकों में आप पैसा भलाई के लिए डालते हैं उन्हीं पैसे से आपकी मौत की प्लानिंग होती है। गुल्लक पर लिखा है आपके चंदे को किसी भी जायज इस्लामी रूहानी खैर ख्वाही और भलाई के काम के लिए खर्च किया जा सकता है। ऐसे गुल्लक शहर में करीब 1400 रखे गए हैं। आप जानकर हैरान होंगे कि ये गुल्लक मंदिरों के आसपास भी रखा गया होगा। गंगा जमुनी तहसीब के नाम पर आपका पैसा लेकर क्या कराची भेजा गया? जिस दिन राजस्थान की घटना में इस संगठन का नाम आया, योगी आदित्यनाथ ने उसके एक दिन बाद ही एक बैठक की थी। उसी बैठक में ये प्लान बना था कि इस आतंकी संगठन को पाकिस्तान ही वापस भेजना होगा और तभी से यूपी के कई जिलों में लोकल इंटेलिजेंस यूनिट सक्रिय हो गई थी। अब आपको बताते हैं कि ये संगठन भारत में कैसे एक नेटवर्क बना रहा है। 1989 में पाकिस्तान से उलेमा का एक प्रतिनिधि मंडल भारत आया था। इसी के बाद दावत इस्लामी संगठन को लेकर भारत में चर्चा शुरू हुई और इसकी शुरुआत हुई। भारत में दिल्ली और मुंबई में संगठन का हेडक्वार्टर है। सैयद आरिफ अली अत्तारी दावत इस्लामी के भारत में विस्तार का काम कर रहा है। भारत में विस्तार होता गया पर गुल्लक की कहानी समझ के परे है। अगर ये संगठन पाकिस्तानी है तो फिर भारत में चंदा इकट्ठा करने की साजिश क्या है? अगर ये संगठन आम लोगों की भलाई के लिए काम करता है तो भारत के किसी मुस्लिम की मदद का खुलासा क्यों नहीं किया गया? कन्हैया लाल के परिवार की मदद के लिए बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने कैंपेन चलाया, परिवार को 1 करोड़ मदद राशि भी दी, लेकिन दावत इस्लामी संगठन ने ऐसा क्यों नहीं किया? क्या साजिश और आतंक का कोई कनेक्शन है? योगी आदित्यनाथ खुद टेंशन में होंगे क्योंकि इतनी सख्ती के बाद भी यूपी में ही साजिश रची जा रही है तो मसला गंभीर है। अगर सबूत हाथ लगे तो फिर तय है जांच ATS के हवाले होगी और पीलीभीत ही नहीं बल्कि पूरा देश हिल जाएगा क्योंकि इसमें NIA भी जांच कर सकती है। योगी का बुलडोजर अभी शांत है। सबूत मिलते ही ये दावत इस्लामी स्कूल पर कभी भी चलेगा क्योंकि ये स्कूल अवैध है, कोई जानकारी नहीं है और गुल्लक का राज बाहर आया। पाकिस्तानी कनेक्शन मिले तो फिर तय है कि भारत में एक बड़ी सफाई शुरू होगी। देश के भीतर बैठकर कौन लोग हैं जो हिंदुस्तान को टुकड़ों में बांटना चाहते हैं? बड़ी हैरानी की बात यह है कि अगर आज यूपी के CM योगी ना होते, कोई और होता तो क्या होता, यह आपको भी पता है। आपको क्या लगता है इस संगठन के बारे में आपकी क्या जानकारी? दर्शक हमें कमेंट में विस्तार से बता सकते हैं।